हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ अपना पहला लेक्चर ऑर्गल डायग्राम में। तो आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊँगा जिससे आपको ऑर्गल डायग्राम इजीली समझने आ जाएगा और लगभग आपके 95% सवाल भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गल डायग्राम में जो टॉपिक है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का पता होना चाहिए, टर्म सिंबल का पता होना चाहिए, कैसे उसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर आपसे निकलता है। पर एक शॉर्टकट है जो अजय कुमार में दिया हुआ है और मैंने वहीं से रेफ़र करते हुए इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप डायरेक्ट ऑर्गल डाइग्राम के क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट मच थिंकिंग। आपको समझाने के लिए तो देखिए, आप पहले एक फिगर याद कर लीजिए कि आपको क्या करना है। पहले आपको ऐसे सीधा लाइन खींच के एक क्रॉस करना है। ये फिगर आप ऐसे बनाएंगे, पहले आपको क्रॉस करना है, फिर आप ऊपर से लेते हुए इस लाइन को इसके नीचे क्रॉस करेंगे, यानी इसको नीचे लाएंगे, और उसके बाद एक लाइन को आप बीच में करेक्ट क्रॉस कर देंगे। तो ऐसे ये फिगर बनेगी। तो यानी आपको क्या करना है, ये नीचे की लाइन मैंने एक्स्ट्रा ऐसी रखी हुई है, इससे मतलब नहीं है आपको। यानी क्या करना है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपको सीधी लाइन खींचनी है, फिर क्रॉस मारना है, फिर ऊपर से आपको ये लाइन जाते हुए नीचे करनी है, और फिर बीच में एक लाइन खींचनी है। तो अब जैसे आप ये आप लाइन खींच देंगे, उसके बाद आपको ये लर्न करना है कि यहाँ पे ऊपर जो होगा सिंबल होगा ए, उसके बाद टी, फिर टी और फिर टी। तो यानी जो आप टर्न सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे वो ऊपर करेंगे ए, फिर टी, फिर टी, फिर देन टी। तो अब ए अगर ऊपर वाला है तो इस यही लाइन सेम वही होगी, तो ये भी ए हुआ। और टी नीचे वाला है तो इसकी ये लाइन जो जा रही है वो सेम होगी, तो ये भी टी हो गया। तो ऐसे ही सेम लाइन ये वाली फिर टी हो गई, और यहाँ पे ये जो लाइन हो गई ये फिर टी हो गई। तो यानी यहाँ पे जो टर्न सिंबल बनेंगे वो आपको एक तरफ के याद कर लेने हैं, तो उसका अपोजिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे टू, तो यानी जो सबस्क्रिप्ट की वैल्यू होगी वो रखेंगे 2121। तो 2021 से 2121 से आप याद कर लेंगे। तो यही सेम वैल्यू जब यहाँ पे ए टू है तो यहाँ पे भी आपको ए टू रखना पड़ेगा, तो ए टू हमने रख दिया। यहाँ पे टी वन है तो आपको यहाँ पे टी वन रखना पड़ेगा, और यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी आपको T1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे T2 है तो यहाँ पे भी आपको T2 रखना पड़ेगा। तो देखिए, एक शॉर्टकट है, और ये मतलब सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके निकाला गया है, या ट्रांजिशन को देख के निकाला गया है, पर ज़्यादातर केसेस में काम कर जाएगा। तो कहाँ पे काम करेगा और कहाँ पे नहीं वो भी मैं आपको समझा दूंगा, पर उससे पहले आप इस शॉर्टकट को समझ लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम में आपको ऊपर ए लिखना है, फिर नीचे टी, फिर टी, फिर टी, और नीचे इधर रखना है आपको 2121। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट करनी है, यही सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है। यानी इसका ए टू जा रहा है तो यहाँ पे आपको ए टू ही लिखना है, इसका टी वन जा रहा है तो आपको टी वन ही लिखना है, इसका भी टी टू जा रहा है तो आपको टी टू लिखना है, इसका टी वन जा रहा है तो आपको यहाँ पे टी वन लिखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो टी वन है उसमें फ़र्क क्या है, ये पी का टी वन है। पी भी यूज़ होता है जब एक्साइटेड स्टेट यूज़ करते हैं, तो पी यहाँ पे वही एक्साइटेड स्टेट दिखा रहा है। तो यानी ये जो टी वन है इसलिए फ़र्क है। तो यानी ये जो टी वन है इस वाले टी वन से इसलिए अलग है क्योंकि इसके साथ पी आएगा, और बाकी ये जो टी वन है ये सिंपल वाला ग्राउंड स्टेट का है। आपने ये डायग्राम बना लिया है। तो अगर अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात ये है, अब सबसे मेन है जब आप डायग्राम बनानेंगे तो सीखने वाली बात ये है कि अगर आपके पास D2 हो या D7 हो ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो आप ये वाला डायग्राम यूज़ करेंगे, यानी इस साइड वाली ट्रांजिशन यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास D3 या D8 हो टेट्राहेड्रल के केस में, तब भी आप यही वाली ट्रांजिशन यूज़ करेंगे। तो यानी D2 और D7 के लिए आपको यही राइट हैंड साइड वाली यूज़ करनी है ट्रांजिशन, और D3 और D8 के लिए अगर टेट्राहेड्रल का केस है तो भी आपको ये यूज़ करनी है। तो अगर आप इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में आपको G लगा देना है इनके नीचे, और अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल में कोई भी G या U नहीं आता है, तो इसीलिए आप सिर्फ A2 T1 T2 T1 यूज़ करेंगे, और बाकी ऑक्टाहेड्रल के लिए आप G यूज़ करेंगे, तो G लगाएंगे इन सब के नीचे।
तो यानी D2 ऑक्टाइडल का सवाल आएगा, तो आप राइट हैंड साइड वाली ट्रांजिशंस या तो कहने का मतलब है, अगर D2 ऑक्टाइडल का सवाल आएगा तो आप राइट हैंड वाली यूज़ करेंगे, और D3 D8 का भी आएगा अगर टेट्राहेड्रल में, तो भी राइट हैंड वाली यूज़ करेंगे। तो इसके तो यानी तो इसको आपको कैसे याद करना है, तो आप याद कर लें कि 27 याद कर ले, 27 आप कैसे भी याद कर ले, तो इसे आप मान लीजिए मेरा बर्थडे वैसे 27 में ही आता है, तो आप याद कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आपने 27 याद कर लिया, तो उसका अगला ही टर्म 2 के बाद क्या आता है, 3, 7 के बाद क्या आता है, 8। तो यानी ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको 27 यूज़ करना है, और टेट्राहेड्रल के केस में इनका 1+ यूज़ करना है, यानी 3 और 8। और इसमें अगर आपको डेल्टा वी निकालने को कहा जाएगा तो वो होगा, और इसमें अगर आपको डेल्टा ओ निकालने के लिए कहा जाएगा तो वो होगा V3 - V1। तो यानी V3 ट्रांजिशन जो होगी उससे V1 अगर आप माइनस करेंगे, तो V1 कौन सी होगी इसमें, V1 ये होगी, V2 कौन सी होगी ये होगी, और V3 कौन सी होगी ये होगी, ठीक है। तो V1 ट्रांजिशन, तो V3 से अगर आप V1 माइनस कर देंगे तो आपका इसके केस में डेल्टा ओ भी निकल आएगा। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके पास 2 होगा और 7 होगा, यानी इसका उल्टा टेट्राहेड्रल के केस में, तब आप ये यूज़ करेंगे, और डी होगा 3 होगा और 8 होगा ऑक्टाहेड्रल के केस में, तब भी आप लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, और इसका जो डेल्टा वो निकल आएगा वो आएगा V1। तो यानी जो इसकी पहली ट्रांजिशन इसका आंसर होगा, तो ये पहली ट्रांजिशन है, ये दूसरी ट्रांजिशन है इसमें, और ये तीसरी ट्रांजिशन है, तो ये V1 है, ये V2 है यहाँ पे, और ये V3 है। तो इस तरीके से एक शॉर्टकट बन गया कि अगर आपके पास D2 और D7 का क्वेश्चन आए, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल के केस में आए चाहे वो टेट्राहेड्रल के केस में आए, आपको पता होगा कि आपको कैसे आंसर निकालना है या कौन सी ट्रांजिशन फॉलो करनी है। तो अब ये तो था शॉर्टकट जो आपको याद करना है, और उसके बाद अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं लेक्चर में इंक्लूड करता हूँ। तो एक बार पहले मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ कि आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको सीधी लाइन खींचनी है, ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे एक लाइन खींचनी है, और ऐसे यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ऊपर से जाते हुए इसके ऊपर खींचनी है, फिर यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे टी लिखना है, यहाँ पे टी लिखना है, यहाँ पे टी लिखना है, और 21 लिख देना है। इसी चीज़ को सेम रिपीट कर देनी है, यहाँ पे T1, ये T1, ये पी वाला है, पी से प्रदीप भी कह सकते हैं आप मेरा नाम, और प्रदीप से याद करने का फ़ायदा ये भी होगा कि प्रदीप का बर्थडे आता है 27 में, तो आपको यहाँ पे 27 भी याद हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में, और T3 D8 टेट्राहेड्रल के केस में। अच्छा, ये ट्रांजिशन 2 और 3 और या 7 और 8 की हम क्यों बात करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा, पर ये शॉर्टकट है तो इसमें हम कॉन्सेप्ट की बात ना करते हुए सिर्फ शॉर्टकट की बात करेंगे। बाकी ये T3 D8 ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे D2 D7 टेट्राहेड्रल, इसी का उल्टा यानी आपको लेना है, और यहाँ पे जो है V1 है आंसर, अगर आपसे डेल्टा ओ पूछा जाएगा, और यहाँ पे V3 - V1 है। V3 क्या है, पहली ट्रांजिशन है, सॉरी, V1 क्या है, पहली ट्रांजिशन है, V2 क्या है, दूसरी ट्रांजिशन है, V3 तीसरी ट्रांजिशन है, यहाँ पे V1 पहली ट्रांजिशन है, V2 दूसरी ट्रांजिशन है, V3 तीसरी ट्रांजिशन है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस है जो मैं ले लेता हूँ। तो देखिए, आप क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का ही, कि कॉपर 2+ की टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन में आपको ग्राउंड स्टेट बतानी है। तो आप इसी ऑर्गल डायग्राम से इसे निकाल सकते हैं। कॉपर 2+ का मतलब क्या है, D7। कॉपर 2+ का मतलब क्या है आपका, D7। D7 के लिए आप देखेंगे, मैंने जो डायग्राम आपको बताया D7 के लिए, अगर आप देखें, चेक करें, D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए जो ग्राउंड स्टेट है वो है T1G, और टेट्राहेड्रल के लिए बात करें तो A2। तो यानी इसका जो आंसर आने वाला है A2 एंड T1G आने वाला है, A2 एंड T1G। अब इसके ऊपर भी यहाँ पे टर्म होती है, वो टर्म डिपेंड करती है कि आपकी स्पिन क्या है, तो स्पिन क्या होगी इसकी, स्पिन में अगर टेट्राहेड्रल के बता दूँ, हाई स्पिन है तो टेट्राहेड्रल के बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने खाली बचे हैं, 3, तो स्पिन निकालते हैं 2s+1, तो इसकी स्पिन इससे कैंसिल आउट होगी, इसकी इससे कैंसिल आउट होगी, तो 3 बचे हैं, हाँ, सेम पैटर्न के स्किन के, तो 3/2, 1/2 होती है एक, तो 3/2 हो गई 3, तो ये क्या बचा, 4। तो यानी दोनों के ऊपर जो आपका सुपर स्क्रिप्ट आएगा वो 4 आएगा, ये मैं 4 कर देता हूँ, 4। तो आपका जो आंसर है 4
ए टू एंड फोर टी वन जी। तो ये किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए, और ये किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए। एक बार दोबारा चेक करके आपको बता दूँ तो कैसे करना है, आपको लाइन खींचनी है। चलो आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए, फिर एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और यहाँ से बस ले जाइए। तो यहाँ पे हम ए टी रखते हैं, ए टी टी, यहाँ पे 21 21 21। तो नीचे हम क्या रखते हैं? 27 रखते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए और 38 रखते हैं टेट्राहेड्रल के लिए, और यहाँ पे जो 27 रखते हैं वो टेट्राहेड्रल के रखते हैं। तो इससे ही हो जाएगा हमारा। तो हमें 7 निकालना था ऑक्टाहेड्रल केस में, तो T1 लास्ट है तो T1 G हमने ले लिया, क्योंकि G रखना है सबके केस में ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में मैंने बोला बोला था आपको कि जी वी कुछ नहीं रखा थे, और इसका जो लास्ट है वो A2 है, तो यहाँ पे हमने A2 ले लिया और 4 आंसर। तो ऐसे करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बाकी इसके और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ऐसे ही शॉर्टकट सीखने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।